तो आज का ये वीडियो आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी यूनिक है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग हों जिनको इस प्लांट के बारे में मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो आइए आपको बताता हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये प्लांट, जैसे आलू जब रखा रहता है तो कैसे बारिश के सीज़न में उसमें से स्प्राउट्स निकलने लग जाते हैं, सीडलिंग्स जैसे, वैसे ये देखिए आपको यहाँ पे सीडलिंग दिख रही होगी। एक यहाँ पर है, एक बहुत ही छोटी सी यहाँ पर है और एक यहाँ पर नीचे। तो दोस्तों ये प्लांट और कुछ नहीं, आप देख सकते हो कि ये इस में रखा हुआ था काफ़ी टाइम से हमारे घर पे, जो हमारे, क्योंकि मेरी मम्मी योग में से जुड़ी हुई है, थोड़ा योगा इन सब में काफ़ी टाइम से, तो वो ये गिलोय ला के रखा था उन्होंने। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नीम गिलोय जो होती है, वो नीम के पेड़ पे जो चलने वाली गिलोय का ये क्रीपर्स होती है उसको बोलते हैं। नीम के पौधे में और इसके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाता है। तो ये जैसे आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से रूट्स भी निकाल रहे हैं, थोड़ा धूप में ले जाता हूँ। ये मैं बताना चाहूँगा, ये पूरी रूट्स हैं यहाँ, वैसे इसकी पूरा का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए कैसे इसके रूट्स ऊपर तक आई है। और बस ये इस छोटी सी वेजिटेबल की बास्केट में रखा हुआ था, क्योंकि मम्मी इसको गला के जैसे भी मतलब लिया जाता है वैसे लेती है, इसका गाढ़ा बना के पीने के लिए। और ये देखिए मतलब अभी बारिश स्टार्ट ही हुई है कि ये देखिए यहाँ से स्प्राउट होने लग गया है और ये इसने रूट्स छोड़ दी अपने आप। मतलब ये लकड़ी सूखी हुई है बिल्कुल, ठीक है, ये देखिए ये पूरी की पूरी बेल सूखी हुई है तो भी अपने आप मतलब ये हरी हो गई। ना इसके ऊपर पानी डाला है ना कोच, और इसने अपने रूट्स छोड़ दिए हैं। और सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये हमारे घर के सामने छोटा सा एक क्यारी बनी हुई है, तो यहाँ पे भी नीम गिलोय मैंने देखी थी। हाँ ये देखिए, ये तो इसके रूट्स हैं, देखिए पूरा नीचे तक, किससे नीचे नीचे ये रस्सी की तरफ। और ये देखिए यहाँ पे चप्पल है, ये देखिए इसने रूट्स जमीन में डाल दिए, तो मतलब अब ये इसकी मेन स्टेम बनेगी, ब्रांच बनेगी आगे जाके। ये देखिए मम्मी ने इसको भी ऐसे गोल करके लपेट के लटका रखा था यहाँ पे, और यहाँ से ये फूटा। और ये देखिए हमारे पाम के पौधे पे, पाम का जो एक ट्री है इस पे चलने लग गया है ऊपर। मतलब कितना यूनिक चीज़ है ये कि ये देखिए यहाँ से इसने अपनी रूट्स निकाली थी, ठीक है, ये रूट्स निकाली और ये सिंगल एक तार की तरह ये पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। ये देखिए कितना पतला है, गजब का पौधा लगा है। मेरे को ये मतलब गजब का प्लांट, मैंने सोचा भी नहीं था कि अपने आप कोई प्लांट ऐसे खुद को प्रोक्रिएट कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को कहा था मैंने कि काफ़ी यूनिक प्लांट लगा मेरे को ये नीम गिलोय। इसके लिए जो कह रहे हैं, इसके मेडिसिनल यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं आयुर्वेदा में, क्योंकि मेरे फैमिली के कुछ रिलेटिव्स और प्लस मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आयुर्वेदा में मतलब डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। लेकिन ये तो मतलब मेरे लिए एकदम यूनिक एक्सपीरियंस रहा है कि अपने आप सूखी हुई लकड़ी, सिर्फ 2-3 दिन बारिश हुई अपने आप ग्रीन हो गई, और कुछ ही दिनों में मतलब राजस्थान में अभी पिछले 15-20 दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही बारिश हुई है, जहाँ पे मैं लोकली रहता हूँ कोटा सिटी में वहाँ। तो और स्टार्टिंग में हुई थी तो अभी 4-5 दिन से तो हुई भी नहीं हो, मैंने अभी देखा तो रूट्स निकली हुई है इसमें और अभी स्प्राउट हो चुका है। तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर करूं। And now, folks, it's time to say good night. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon.
Good night.